क्या आप जानते हैं हिप्नोसिस यानी सम्मोहन क्रिया क्या होती है और ये किस लिए कारगर है। हिप्नोसिस थेरेपी से हम हमारे जीवन में चल रही कोई भी समस्या हो, शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हमें हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रेग्रेशन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है प्रसिद्ध मास्टर हिप्नोसिस्ट, डिवाइन हीलर एवं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट पुरुषोत्तम मडावी सर। तो आइए जानते हैं जिंदगी से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने की अचूक और लाभकारी थेरेपी यानी हिप्नोसिस थेरेपी के बारे में संपूर्ण जानकारियां हमारे प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम मडावी, वैसे मुझे पुरुषोत्तम सर नाम से जाना जाता है। मैं एक्चुअली बैंक में चीफ मैनेजर के पद पर काम कर चुका हूँ। बाद में रिटायरमेंट लेने के बाद मैं अभी खुद का एक प्रोसेस जिसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नाम है उसमें मैं कार्य कर रहा हूँ। अभी मैंने ये जो हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसका मैंने ये कोर्स किया था। मैंने हैदराबाद में श्री प्रवीण अग्रवाल जी से मास्टर हिप्नोसिस का कोर्स किया था और उसके बाद साई करुणा मिशन मुंबई से एक हीलिंग का प्रोसेस किया था, वो भी कोर्स किया था, उसको डिवाइन हीलिंग के कहा जाता है। और उसके बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स मैंने रेकी हीलिंग फाउंडेशन दिल्ली से किया था जी। सर, हिप्नोसिस क्या होता है? हिप्नोसिस, ये हिप्नोसिस ऐसी एक प्रोसेस होती है। अपने मानवों में दो प्रकार के माइंड्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो 10% के प्रभाव अपना जीवन पर प्रभाव करता है, कोई भी अपने जो कार्यकलाप है, व्यक्ति पैदा होता है उसके बाद से अब तक का वर्तमान तक का जो भी उसका जो उसके कमांड्स होते हैं वो कॉन्शियस माइंड कार्य करता है उसके ऊपर। और सबकॉन्शियस माइंड जो अपने जो संस्कार होते हैं या जो भी अपनी जो आज तक की पिछले लाइफ की जो भी संस्कार अपन ने ये किए हैं, हासिल किए हैं, तो वो उसमें स्टोर रहते हो, वो स्टोर पावर जो बोलते हैं उसको, स्टोरिंग ये रहता है उसका बैंक। तो सबकॉन्शियस माइंड ये अपने ऊपर 90% तक काम करता है, पूरा अपने जीवन के कार्यकलाप जो है वो 90% के बेसिस पर होते हैं। जैसे अपनी जो क्या बोलते हैं उसके आँखों की पुतलियाँ जो है, आपके पलके हैं वो झपकती हैं, उसको झपकाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप झपकती है। हार्ट की बीट जो है अपने आप बजती रहती है, ये इसका जो कंट्रोलिंग होता है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड के ऊपर जैसे आपका एनालिसिस है, आप उसके ऊपर सोच सकते हैं, जो भी पढ़ लिया है आपने आज तक जीवन में, जितना भी ज्ञान आपने पा लिया है वो जीवन की वो ज्ञान के आधार से आप जो भी करते हैं वो कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका आपका जो स्वभाव है, आपका आंतरिक प्रेरणा है, आपके विचार है, ये सब जो मान्यता है वो सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर कार्य करता है। तो जब अपन हिप्नोसिस करते हैं तो एक ऐसी एक प्रोसेस होती है, रिलैक्सेशन प्रोसेस। जब शरीर रिलैक्स होता है तो माइंड जागृत होता है, और माइंड जागृत होता है यानी कॉन्शियस माइंड साइड में होता है और सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है उसको कोई ये रैशनली नहीं होता है, वो रियल और जो इमेजिनेशन है इसमें वो बाइफर्केट नहीं करता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। वो जैसे आप उसको बोलेंगे वो पूरा पूरा उसको समझ लेगा कि यही चीज़ है, यही रियलिटी है। जैसे उसको एक करेला अगर खाने को देंगे और उसको बोलेंगे कि ये सेफ है तो वो सेफ समझाएगा, समझा जाएगा कि उसको सेफ ही है। तो ये जो पावर है सबकॉन्शियस माइंड का, तो इस प्रोसेस को हिप्नोसिस कहा जाता है। तो एक कॉन्शियस माइंड को सबसाइड करके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना, उसको हिप्नोसिस कहा जाता है। सर, ये जो हिप्नोसिस थेरेपी आप करते हैं जी, तो इसका एक्चुअल फायदा क्या होता है, अपन किस उद्देश्य से इसको करते हैं? जैसे पैदाइशी अपने कुछ न्यूनगंड तैयार हो जाते हैं, घर का वातावरण, फैमिली का बैकग्राउंड, ये सब चीजें उसके ऊपर हावी होते हैं और वो प्रोग्रामिंग बनता है। तो इस प्रोग्राम के वजह से आज के माहौल में उसको जिस तरीके का जीवन चाहिए, जिस तरीके का उसको स्टैंडर्ड चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसको इसको क्या बोलते हैं, उसको न्यूनगंड पैदा होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरीके के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकालने के लिए हिप्नोसिस का उपयोग होता है। किसी को
गर्दी जैसे क्राउड है, क्राउड के बारे में बहुत भय सा महसूस होता है, पानी का भय महसूस होता है, जैसे पानी में ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता, क्राउड में रह नहीं सकता, ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो न्यूनगंड है, ये जो भय है, इसको फोबियाज कहते हैं, तो ये निकाल सकते हैं अपन, तो ये इसके लिए हिप्नोसिस बहुत काम आता है। तो अगर हिप्नोसिस किसी को करवाना है, किसी को अपनी पहले की जिंदगी या बाद की जिंदगी के बारे में जानकारी लेना है, या उन्हें उनकी जिंदगी में किसी परेशानी को लेकर परेशानियां दूर करना है, तो हिप्नोसिस के लिए उनको सबसे पहले किस तैयारी के साथ आपके पास आना है? हिप्नोसिस के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं लगती है, सीधा सीधा वो एक आधे बार अपने यहाँ पे सेंटर में आ सकता है। सेंटर में क्या है, सेंटर में आने के बाद एक रिलैक्सेशन की अवस्था है, उसको हिप्नोसिस कहा जाता है। जब वो रिलैक्सेशन की अवस्था में जाता है, अल्फा लेवल पा सकता है, तो हिप्नोटाइज हो जाता है वो। तो उसको ऐसी पहले से कोई प्रिपरेटरी में ये नहीं करना पड़ता है, कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती उसकी। सर, किसी को हिप्नोसिस द्वारा अपनी जिंदगी के आगे पीछे की जानकारियां लेना है, किसी को अपनी होने वाली जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करना है, तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकता है, कैसे आपके पास आप तक पहुंच सकता है? वैसे मेरा जो सेंटर है वो रामकृष्ण सोसाइटी में 39 नंबर के प्लाट में है, और नरेंद्र नगर ग्राउंड के एकदम कॉर्नर में है, वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, कोई उसके लिए प्री कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच हो के आप आके भी आपका ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन एक हिप्नोटाइज करके आपको ये सब जानकारियाँ नहीं मिल सकती, इसके लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करना पड़ता है। पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा बता दूँ तो ऐसा है कि अपने जैसे ये एक बहुत पुरानी कला है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये प्रेजेंट नाम है उसका, लेकिन पुरातन कालों से चालू है। एक वर्धमान महावीर, भगवान वर्धमान महावीर, इन्होंने 600 अपने पुराने जन्म देख चुके हैं। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने 450 के ऊपर अपने जन्म देख लिए थे, जिसके बाद उन्होंने निर्वाणा की स्थिति पा ली थी। तो ये उस जमाने में उसको जाति स्मरण नाम से कहा जाता था, जाति स्मरण। उसके बाद में पतंजलि के नाम से एक प्रतिप्रसव नाम से एक संबोधन आया था, पतंजलि के योग सूत्रों में प्रतिप्रसव नाम से उसको जाना जाता था। तो वही क्रिया डॉक्टर ब्रायन विस नाम से एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे, तो उन्होंने अपने एक हिप्नोटिज्म के प्रोसेस में एक कैथरीन नाम के क्लाइंट को करते करते उन्होंने ये पा लिया कि वो पास्ट लाइफ में जा सकती है। तो एक हिप्नोसिस की सजेशन देते हुए, एक कमांड देते हुए वो पास्ट लाइफ में चली गई, और पास्ट लाइफ के बारे में उसने पूरा रिस्पांस देना शुरू कर दिया। तो ये करीब करीब 1970 के बाद की बात है, तब से ये प्रचलन जो है एक थेरापी के नाम से सामने आ गया है। तो ये वर्तमान जीवन में आपकी जो भी कठिनाइयाँ है, आर्थिक है, मानसिक है, शारीरिक है, जो भी कठिनाई है, तो ये इसका जो रूट काज होता है वो पास्ट लाइफ से हो सकता है, वर्तमान जीवन से संबंधित भी हो सकता है, या तो फिर किसी भी पास्ट लाइफ से ये संबंधित हो सकता है। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको ढूंढ लेते हैं, रूट काज को, और वो रूट काज को ढूंढ के उसी समय, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये थीटा लेवल पे होती है, थीटा लेवल, जो हिप्नोसिस अल्फा लेवल में थी, अब ये थीटा लेवल में एक आगे की एक स्टेज है। ये थीटा लेवल में अगर अपन उसको हील करते हैं तो तुरंत असर करती है और उसका इलाज तुरंत हो जाता है। वो जैसे कि हम उसको उस समय हीलिंग करते हैं तो उसका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है। जब वो जागृत अवस्था में आ जाएगा तो उसका प्रॉब्लम मिट जाता है, वो दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रोसेस होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो इसमें जैसे मैं एक आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि बहुत सारे आज की परिस्थितियों में एक लड़की की शादी नहीं होती है, बार बार उसको ढूंढने के लिए आते हैं, देखते हैं, लड़के देख के चले जाते हैं, लेकिन उसका पूरा कोई मन चाह ऐसा मिलता नहीं है, और वो आगे 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 जाता है तो उसकी कौटुंबिक परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, पिता को बहुत मानसिक तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे समय में वो लड़की जो है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके आज की जैसी 2021 की परिस्थिति है तो वो 2026 में वो उसकी परिस्थिति कैसी होगी ये देख सकती है। और उसमें अगर उसकी शादी हो चुकी है ऐसी अगर दिखता है तो पर्टिकुलरली वो शादी कौन से तारीख को हो गई वो भी आप जान सकते हैं, और पर्टिकुलर कौन से पर्सन के साथ शादी हुई वो भी देख सकते हैं। जैसे कि उनकी शादी लग रही है ये उसको पूरा विजुअल दृश्य दिखाई देता है। जैसे अपन शादी के टाइम में देखते हैं कि अपने पीछे में एक बड़ा तख्ता लगा होता है जिसमें लिखा रहता है कि अमुक वेट्स अमुक, और ये तारीख को उनकी शादी हो गई,
तो ये वो उस समय की जो फ्यूचर की जो शादी है वो उसी समय पास्ट लाइफ रिग्रेशन के समय में देख सकती है, तो उसमें उसका नाम भी देख सकती है, पर्टिकुलर पर्सन को देख सकती है, उसका कैसा पूरा विवरण है वो उसको जान सकती है। तो उस समय कौन से समय को उसकी शादी लग गई, कौन से तारीख को लग गई और किस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो गई वो जान सकती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से। उसी तरह किसी को आर्थिक परिस्थितियाँ आती है, कुछ भी कितनी भी मेहनत करे, कितना भी कष्ट करे, उसकी आर्थिक परिस्थिति दुरुस्त ही नहीं होती, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो एक तो कारण अपन जनरली बोलते हैं कि इसने कष्ट नहीं किया होगा, मेहनत नहीं किया होगा, इसलिए उसको पैसा नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका एक कोई कारण होता है। जैसे कि मेरे बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो पास्ट लाइफ में जाने के बाद अपने अपने कौन से कारण के वजह से उनको आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उन्होंने देख लिया था। जैसे किसी ने पिछले लाइफ में जाके किसी को दान देते समय उसको कुछ भारी भरकम शब्द से उसका ये उद्धार किया था, ऐसे व्यक्तियों को आगे चल के परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो उस समय हम जाके वो कौन सी जन्म में कौन सी लाइफ में उसने ऐसा किया वो ढूंढ के उसका रूट काज ढूंढ के उसको हम उस वहाँ पर नष्ट कर देते हैं और उसका जो पूरा आगे का लाइफ जो है वो दुरुस्त हो जाता है, ये आर्थिक परिस्थितियाँ हो गई। दूसरी बात है शारीरिक कोई त्रास, कोई बहुत सी ऐसी व्याधियाँ होती है जो मेडिकली ट्रीट नहीं हो सकती है, मेडिकली ट्रीट ले लेके परेशान हो जाता आदमी लेकिन उसका कोई उसका ये नहीं मिलता है, इलाज नहीं होता है, तो उस समय उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हुए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी वही प्रक्रिया है, 1 से 1.5 घंटे की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में उसको हिप्नोसिस करके वो पास्ट लाइफ उसको दिखा देते हैं और पास्ट लाइफ में फिर उसको ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसका रूट काज क्या था, ये जो व्याधि है ये कष्ट है शारीरिक, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा यानी कि सांस की तकलीफ है, सांस की तकलीफ है, किसी को क्या बोलते हैं उसको गले की तकलीफ है, ये बहुत सारी ऐसी व्याधियाँ होती है जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ भी होता है तो जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो ऐसे लोगों को हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके उसका रूट काज ढूंढते हैं और रूट काज में ही उसको इलाज दे देते हैं, हीलिंग दे देते हैं, जो हीलिंग डेल्टा लेवल पर काम करती है। जैसे अपन ने अभी सोचा है हिप्नोसिस यानी अल्फा लेवल, पास्ट लेवल जो है थेटा लेवल और ये डेल्टा लेवल जो होता है हीलिंग का एक माध्यम होता है, हम जो डिवाइन हीलिंग देते हैं वो डेल्टा लेवल की होती है, वो कितने भी पुराने जन्म में उसका रूट काज हो उसको पूरा हील कर देती है। तो इस तरीके की जब वो जागरूक होता है तो उसका पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होता है। शारीरिक मानसिक और आर्थिक तीनों कारण पर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम करता है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे ये पास्ट लाइफ हम क्यों करते हैं, जैसे अपन चलते चलते एखादे ऑटो से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, सीढ़ियों से उतरते, कहीं से भी उतरते हैं और अपने कपड़े लटक जाते हैं, कपड़े लटकने के बाद अपन सीधा सामने थोड़े जाते हैं, अपन पीछे जाते हैं और कपड़ा लटका वाला निकाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फट जाता है कपड़ा। उसी तरह जैसे कि क्रिकेट में बॉलिंग करता है बॉलर तो थोड़ा पीछे जाके करता है बॉलर, पीछे जाके दौड़ते दौड़ते आता है और पूरी स्पीड से बॉल फेंकता है तो उसका असर अच्छा होता है। तो अपने जीवन की कठिनाइयाँ ऐसी ही होती है, अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ आती है उसके लिए हम थोड़ा पास्ट लाइफ की तरफ देखें तो अपना उसका हल अपने मिल जाता है और उसका हल अगर अपन वहीं पर दुरुस्त करते हैं तो आगे का जीवन एकदम सुखदायी होता है। तो इसी के लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये जो ये प्रोसेस है वो 1 से 1.5 घंटे में करते हैं और उसका बहुत लाभ लेते हैं, लोग बहुत आनंदी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं और बहुत दुआ देते हैं, मेन चीज तो वो हमारे लिए बहुत काम की है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।